आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एज ऑफ 17। ये मूवी एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 17 साल की लड़की नेडिन भागती हुई अपने टीचर के पास जाती है और कहती है कि मुझे सुसाइड करना है, मैं जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। इसका टीचर, जिसका नाम मैक्स होता है, बहुत विटी होता है और कहता है मैं भी अपनी सुसाइड का नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये बात सुन के नेडिन अपने लाइफ की स्टोरी फ्लैशबैक में सुनाती है कि वो अपनी लाइफ में सुसाइड के इस पॉइंट पर कैसे पहुंच गई। नेडिन जब छोटी थी तब से ही उसकी मॉम से और उसके भाई डेरियन से उसकी खास बनती नहीं थी। उसके पापा ही थे जो उसका खास ध्यान रखते थे। नेडिन अक्सर स्कूल में अकेली ही रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक एंजल आई जिसका नाम क्रिस्टा था। क्रिस्टा नेडिन की बेस्ट फ्रेंड बन गई और ये देख के नेडिन के डैड बहुत खुश हुए। और देखते ही देखते नेडिन 13 साल की हो गई जब उसकी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम आई। नेडिन जैसे बड़ी हुई उसको लगता था कि पर्टिकुलरली वो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उसका भाई डेरियन काफी हैंडसम है, जिसको लेकर नेडिन काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है। 13 साल की उम्र में ही नेडिन जब एक दिन डैड के साथ रात को लॉन्ग ड्राइव पे जा रही थी तब कार एक्सीडेंट में के डैड की डेथ हो गई। नेडिन का फैमिली में सपोर्ट सिस्टम छिन गया और अगले कुछ साल नेडिन के लिए बेहद दुखद थे। नेडिन अब 17 साल की हो चुकी है। हाई स्कूल में वो क्रिस्टा के साथ बैठी है और गप्पे लगा रही है। नेडिन हाई स्कूल में एक सीनियर निक को देखती है और इंस्टेंटली उस पे फ्लैट हो जाती है और क्रिस्टा को कहती है कि मैं इसके साथ रोमांटिक होना चाहती हूँ। तो क्रिस्टा नेडिन को बताती है कि निक पेटलैंड में काम करता है। नेडिन का एक कोरियन क्लासमेट है जिसका नाम किम है। किम नेडिन को पसंद करता है, लेकिन नेडिन उसको एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करती है। एक दिन नेडिन की मॉम घर से बाहर अपने डेंटिस्ट के साथ पार्टी करने गई होती है, तो नेडिन डेरियन और क्रिस्टा मिलके अपने घर में पूल पार्टी करते हैं। नेडिन खूब ड्रिंक करती है जिसकी वजह से उसको बाथरूम में जाके बहुत उल्टियां करनी पड़ती हैं और वो वहीं सो जाती हैं। क्रिस्टा को हेडेक होता है तो क्रिस्टा एस्प्रिन लेने के लिए नीचे आती है, जहां पर वो देखती है कि डेरियन वहां पर फर्श की सफाई कर रहा होता है। क्रिस्टा पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डेरियन बताता है कि उसके किसी फ्रेंड ने ड्रिंक करके यहां पे सुसु कर दिया है जिसकी वो सफाई कर रहा है। तो क्रिस्टा पूछती है कि क्या मैं भी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेडिन सुबह बाथरूम से उठती है और जब वो डेरियन के रूम में जाके देखती है तो उसको पता लगता है कि डेरियन और क्रिस्टा काफी इंटीमेट पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से नेडिन शॉक हो जाती है। नेडिन क्रिस्टा को स्कूल में कन्फ्रंट करती है। क्रिस्टा उसको बताती है कि ये सब इंस्टेंटेनियस था, लेकिन नेडिन को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। क्रिस्टा से अनबन के बाद में नेडिन काफी अकेली हो जाती है तो किम से बात करने लगती है और किम अपना मौका समझ के नेडिन के क्लोज आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्रिस्टा और डेरियन एक दूसरे से स्कूल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। डेरियन और क्रिस्टा के रिलेशनशिप से नेडिन और परेशान हो जाती है क्योंकि इससे वो और अकेली पड़ जाएगी और फ्रस्ट्रेट होके वो क्रिस्टा से पूछती है कि तुम डेरियन को पसंद ही क्यों करती हो। क्रिस्टा कहती है कि मुझे वो बहुत पसंद है और हमारे रिलेशनशिप की खुशी में डेरियन ने एक पार्टी रखी है, तुम्हें भी उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। नेडिन उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टा के कहने पर वो पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते ही क्रिस्टा अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाती है और उन्हीं के साथ मसरूफ रहती है, लेकिन नेडिन इस पूरी पार्टी में अलग थलग पड़ जाती है और वो काफी आइसोलेटेड फील करती है। नेडिन पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ सोशल होने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो दूसरी लड़कियों से बात नहीं कर पाती। अब नेडिन देखती है कि उसका भाई सभी लड़कियों से घिरा हुआ है और काफी खुश है, जो कि नेडिन नहीं कर पाती है। नेडिन डेरियन की खुशी से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। अब फ्रस्ट्रेटेड नेडिन पार्टी से बाहर चली जाती है। नेडिन घर आकर अपने क्रश निक की फेसबुक प्रोफाइल सर्च करती है और उसको मैसेज करती है कि हे निक, मैंने तुम्हें काफी दिनों पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी फेसबुक में भी ग्लिचेस हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि तुम वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। जब वो मैसेज टाइप करती है
तो नेडिन को ये लगता है कि ये बहुत ही वियर्ड और डेस्परेट एक्ट है। ये सोचकर नेडिन अपना लैपटॉप बंद कर देती और वो अपने क्लासमेट किम को फोन करती है। नेडिन उसको कहती है कि थीम पार्क चलोगे क्या। उसके बाद में किम और नेडिन थीम पार्क जाते हैं, जहां पर वो एक फेरी व्हील में बैठते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। फेरी व्हील में किम नेडिन को किस करने लग जाता है, लेकिन नेडिन उसको रोक देती है कि तुम क्या कर रहे हो। किम कहता है कि मुझे लगा कि सही टाइम है, लेकिन किम उसके बाद में सॉरी बोल देता है और ये दोनों बाद में फिर कूल हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में नेडिन को क्रिस्टा मिलती है और वो क्रिस्टा को कहती है कि तुमने मुझे पार्टी में अकेला क्यों छोड़ दिया था, दूसरी लड़कियों के साथ क्यों घुल मिल गई थी, तुम चली तो मेरे साथ थी, मैं तुम्हारी सेकंड ग्रेड से फ्रेंड हूँ और तुम्हारा डेरियन अब क्या बॉयफ्रेंड बन गया है कि तुम मुझे हमेशा अकेला छोड़ के चली जाती हो। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि डेरियन किसी तुमसे ज्यादा हॉट लड़की के लिए तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। क्रिस्टा इस पर नेडिन को कहती है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इससे नेडिन और दुखी हो जाती है और वो क्रिस्टा को कहती है कि तुम्हें मुझमें और डेरियन में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो क्रिस्टा कहती है कि मैं तुम दोनों को चूज करती हूँ, तुम दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इस पर नेडिन कहती है कि तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती हो, तुम दोनों में से किसी एक को ही चूज कर सकती हो, अदरवाइज वी आर डन, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। इस बात पे क्रिस्टा कहती है कि ठीक है फिर, और वो वहां से चली जाती है। नेडिन पीछे अकेली खड़ी दुखी होने के साथ साथ शॉक भी होती है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि उसने क्रिस्टा को ये सब कह के सही किया या गलत किया। नेडिन अपने गुस्से को शांत करने के लिए वॉक पे चली जाती है। नेडिन देखती है कि वहीं पर पेटलैंड स्टोर है, जिसके बारे में उसको क्रिस्टा ने बताया था कि उसका क्रश निक यहाँ पर काम करता है। वो अच्छा मौका समझकर पेटलैंड में जाती है। नेडिन पेटलैंड में अपने क्रश निक को ढूंढती है। नेडिन यहाँ पर निक से बात करना चाहती है। नेडिन निक से अनजान बनते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैंने मेरी स्कूल में देखा है, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई है। तो निक इस बात पे पूछता है कि क्या तुम जूनियर हो, तो नेडिन कहती है हाँ। नेडिन इसके बाद में निक को बता देती है कि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए इस पेटलैंड में आई है। तो निक इस बात पे स्माइल पास करता हुआ सिर्फ ये कहता है कि तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं, और वो वहां से चला जाता है। नेडिन को बेचारी को अब समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, और वो चुपचाप वहां पे खड़ी रह जाती है। अगले दिन नेडिन स्कूल की छुट्टी होते ही जल्दी से भाग के क्लासरूम से बाहर जाती है, ताकि वो निक से बात कर सके, लेकिन निक अपने ग्रुप के साथ कार में बैठकर उससे पहले ही निकल जाता है। इसके बाद में नेडिन स्कूल में अपने क्लोज फ्रेंड किम को ढूंढती है, जो उसको कहीं पर नहीं मिलता है। क्रिस्टा से उसकी फ्रेंडशिप पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब पूरी स्कूल में इस परेशान दुखी आत्मा नेडिन का सिर्फ एक ही दोस्त था, और वो था उसकी स्कूल का एक टीचर मिस्टर मैक्स, जो नेडिन को जोकिंगली उसको उसकी फेवरेट स्टूडेंट बताता था, और बहुत सारे मामलों में नेडिन के साथ फ्रेंडली बात करता था। नेडिन मिस्टर मैक्स को बताती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। नेडिन कहती है कि आजकल के जनरेशन के बच्चे फोन में चिपके रहते हैं और वो इमोजीज से बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल ही ओल्ड जनरेशन जैसी हूँ, मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शाम को नेडिन अपने घर पे जब कार्टून देख रही होती है, तो वो देखती है कि उसके घर पे डेरियन और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टा आई होती है, जिन दोनों से नेडिन बात करने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होती है, और वो फिर से लोनली फील करने लगती है। फिर अपने बेड पे जाके अपने फोन में निक का फोटो देखती है। तभी उसको किम इरविन का फोन आता है, लेकिन नेडिन उससे कहती है कि वो बात करने के मूड में नहीं है, तो इधर किम डिसअपॉइंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद में नेडिन किम को वापस कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल है, मैं कुछ देर के लिए स्विम करना चाहती हूँ। किम कहता है कि हाँ, मेरे घर में स्विमिंग पूल है और मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। नेडिन किम के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि किम का घर बहुत बड़ा होता है और किम एक बहुत ही रिच लड़का होता है। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते हैं। अब दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। नेडिन किम को पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने रिच हो। किम कहता है कि मैं तो सबको बताता रहता हूँ। नेडिन कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे अपने घर में स्विमिंग पूल में आने दिया। तो किम कहता है कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। उसके बाद में नेडिन किम को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक होना चाहते हो। तो किम भाई साहब के मन में लड्डू फूटे और बोले ओके, लेकिन नेडिन बोली अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आई वॉज जस्ट किडिंग। इसके बाद में किम का मूड ऑफ हो जाता है और वो स्विमिंग पूल से
बाहर चला जाता है। तो नडीन कहती है, अरे यार बाहर क्यों जा रहे हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। किम नडीन को अपने घर के अंदर ले जाता है और अपनी ड्राइंग्स बताता है। वो बताता है कि स्कूल में होने वाले शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में वो अपनी एक एनिमेशन फिल्म तैयार कर रहा है जिसके लिए उसने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। इन ड्राइंग्स को देख के नडीन बहुत इम्प्रेस होती है और उसको पता लगता है कि किम एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कूल काम एंड कंपोज्ड लड़का है। नडीन को ये बात दिल को टच कर जाती है। अगले दिन नडीन को उसकी मॉम स्कूल छोड़ने आती है तो नडीन देखती है कि क्रिस्टा कार से उतर रही है, जिसको देख के नडीन का मूड ऑफ हो जाता है और वो अपनी मॉम को कहती है कि किसी दूसरे ब्लॉक में कार को पार्क करो, मैं वहां पर ही उतरूंगी। नडीन की मॉम कहती है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम भी मेरे ऑफिस चल लो। तो नडीन उसके ऑफिस चली जाती है। नडीन अपनी मॉम को कहती है कि मन तो करता है कि सुसाइड कर दूं। तो नडीन की मॉम कहती है कि मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या आइटम पैदा करके गया है। इस बात पे नडीन और नडीन की मॉम का झगड़ा हो जाता है और नडीन वहां उसकी मॉम की कार लेके भाग जाती है और एक एम्यूजमेंट पार्क में जाके बैठती है और वो अपने क्रश निक को मोबाइल से मैसेज करती है और लिखती है कि हे निक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और कई महीने हो गए हैं मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। मुझे तुम्हारे और मेरे बीच में एक कनेक्शन फील होता है और मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुश भी करना चाहती हूँ और ये सब हम तुम जहाँ पे काम करते हो वहाँ के स्टोर रूम में कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर पे पूरा मैसेज टाइप करने के बाद में अब नडीन को लगने लगा कि ये मैसेज तो बड़ा ही डेस्पो वाला है और ऐसा तो कोई साइको ही कर सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो उस मैसेज को कैंसिल करती है लेकिन गलती से उससे सेंड वाले साइन पे टच हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये डेस्परेटली रोमांटिक होने वाला मैसेज निक को फेसबुक मैसेंजर पे चला जाता है। मैसेज को सेंड होता देख नडीन अब घबरा जाती है। अब ये परेशान और घबराई हुई नडीन अपने एकमात्र सहारे अपने टीचर मैक्स के पास पहुंचती है और कहती है कि जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने एक बहुत ही उल्टा सीधा मैसेज कॉलेज के सीनियर को भेज दिया है, अब मैं सुसाइड कर दूंगी। और यही मूवी का पहला सीन होता है। नडीन मैक्स को कहती है कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का फोन अपने पास में रख लो और फिर उसमें से मैसेज डिलीट कर देना। मैक्स जब उस मैसेज को पढ़ता है तो उसको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना डेस्पो वाला मैसेज कोई किसी लड़के को कैसे भेज सकता है। मैक्स नडीन को कहता है कि तुम इस बात को इतना सीरियस मत लो, रिलैक्स हो जाओ, एक दो पीरियड ऑफ लो, घर जाओ, आराम करो। नडीन को लगा कि अब मैक्स से भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वो डिसअपॉइंट होके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में नडीन को अपने फोन पर निक का मैसेज आता है। निक लिखता है, वाओ मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। अब नडीन को लगता है कि शायद निक उसके मैसेज का बहुत मजाक उड़ाने वाला है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो लिखता है कि तुम बहुत स्वीट हो और क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहती हो। इस मैसेज से नडीन बहुत खुश हो जाती है और वो लिखती है, साउंड कूल। नडीन अपने आप को निक से मिलने के लिए प्रिपेयर करती है। इसके लिए वो पूरे घर को ऊपर नीचे कर देती है और अपने फेवरेट कपड़े पहन के निक से मिलने चली जाती है। नडीन को निक पिक करने के लिए आता है। कार में निक और नडीन के बीच में पहले तो ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस होता है, लेकिन बाद में निक नडीन को बोलता है कि तुम क्यूट लग रही हो। अरे भाई क्यूट तो लगनी थी, उसने मैसेज ही ऐसा भेजा था। जो भाई साहब इतने दिनों से अकड़ में बैठे थे वो एक लॉलीपॉप वाले मैसेज से भागते भागते कार लेके आ गए। चलो अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नडीन कहती है कि तुम भी क्यूट लग रहे हो। निक नडीन को एक सुनसान सी जगह पे ले जाते हैं, डिस्पोजल वेस्ट के सामने। नडीन को इस जगह पे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्रश है भाई, चलाना पड़ेगा। तभी नडीन के फोन पर डेरियन का फोन आता है जो उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन नडीन डेरियन का कॉल पिक नहीं करती है। निक कार में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और नडीन की तरफ देखता है और नडीन को जाके किस करने लग जाता है। नडीन को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। नडीन निक को बोलती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन निक को नडीन की बातों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और वो फ्रंट सीट को रिक्लाइनिंग मोड में ले जा
जाके नेडिन को सुला देता है और नेडिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। नेडिन ये सब करना तो चाहती थी लेकिन उसको ये लगता है कि ये जल्दबाजी है, तो वो निक को रोकती है। निक सरप्राइज हो जाता है कि जिस लड़की ने मैसेज करके मुझे बुलाया था अब वो उसी चीज के लिए मना कर रही थी जिस चीज के बारे में उसने मैसेज में लिखा था। अब नेडिन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब करना तो चाहती थी लेकिन जब सब कुछ रियल में हो रहा है तो वो इसको रोक क्यों रही है। थोड़ी देर तक इनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। नेडिन निक को बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो हम कार से उतर के एक बाहर अच्छी सी वॉक लेते हैं। लेकिन निक मन ही मन सोच रहा था कि अरे यार मैं यहाँ वॉक करने थोड़ी आया था। उसके बाद में निक नेडिन से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, वो मैसेज तुमने मुझे क्यों किया था, और गुस्सा करके कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन नेडिन उसको रोक देती है और उसको किस करने लगती है। ठरकी निक का गुस्सा एक हिस्से शांत हो गया और वो फिर नेडिन के साथ इन्वॉल्व हो गया और उसे किस करने लगा। निक ने जब नेडिन को टच किया तो नेडिन ने फिर रजिस्ट किया तो निक झल्ला के बोला कि क्या कर रही हो तुम, क्यों मुझे बार बार रोक रही हो, तुम चाहती क्या हो। नेडिन कहती कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर बात करें, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ऐसा तो नहीं है कि पहले 5 सेकंड में ही तुम चालू हो जाओ। तो निक कहता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि हम पेटलैंड के स्टोर रूम में ऐसे ऐसे रोमांटिक रिलेशन बनाएंगे और अब तुम मुझे हर बार यहाँ पे रजिस्ट कर रही हो, तुम क्या साइको हो क्या। मैं यहाँ तुमसे बात करने या जान पहचान बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे मैसेज को देख के आया हूँ। इस बात को सुन के नेडिन को बहुत शौक होता है कि उसने ये सब मैसेज अपने फ्रेंड्स को भी बता दिए और वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है कि उस मैसेज में फिजिकल होने की बात लिखी हुई थी। वो नेडिन को पर्सनली जानने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। नेडिन रोते हुए उस कार से उतर जाती है। नेडिन को बहुत हर्ट होता है, नेडिन का क्रश सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। इस बात से नेडिन को बहुत हर्ट हुआ और वो डीप इनसाइड कहीं से टूट गई। नेडिन उसके बाद में एक डोनट शॉप में जाके बैठ जाती हैं और अपनी लास्ट होप मिस्टर मैक्स को बुलाती हैं। के बाद में ये दोनों मिस्टर मैक्स के घर चले जाते हैं। नेडिन मैक्स के हाउस में मिस्टर मैक्स की वाइफ और उनके बच्चे को देखती हैं और काफी रिलैक्स फील करते हैं। तभी नेडिन को सर्च करता करता डेरियन उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टा को लेकर वहां पे आता है। लेकिन नेडिन डेरियन को कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ कार में नहीं चलूंगी, मैं अपनी राइड खुद लेके आ जाऊंगी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और तुम हर बार मॉम का हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो। ये बात सुनके डेरियन नेडिन के पीछे आता है और उसको कहता है कि मैं कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन नहीं हूँ, फादर की डेथ के बाद में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं फैमिली की केयर करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं इस टाउन से दूर क्यों किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली की यहीं पे रह के अच्छे से केयर कर सकूं। उसके बाद में डेरियन वहां से चला जाता है और मैक्स नेडिन को लेके उसके घर पे जाता है। घर जाकर नेडिन डेरियन से सॉरी बोलती है और अपनी दुश्मनी को उसके साथ खत्म कर देती है, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि जिस लड़के निक के लिए उसने इतना बवाल खड़ा किया था वो सिर्फ उसके साथ कुछ मोमेंट शेयर करना चाहता था। लेकिन डेरियन पीछे उसकी सारी गलतियों को और फैमिली के सारे मैटर को हैंडल करता है और बहुत सारे इश्यूज को रिजोल्व करता है और वो डेरियन के साथ अपने डिफरेंसेस को रिजोल्व करती है। अगले दिन नेडिन सुबह जल्दी उठती है क्योंकि उसको स्कूल में होने वाले शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किम का एनिमेशन मूवी देखना था। जाते समय नेडिन डेरियन की गर्लफ्रेंड क्रिस्टा से भी अपने डिफरेंसेस रिजोल्व कर देती है और बाद में स्कूल में जाकर किम का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एनिमेशन मूवी देखती है। एनिमेशन मूवी में फीमेल का कैरेक्टर नेडिन होता है और मेल कैरेक्टर किम होता है, जिसमें किम बार बार नेडिन को प्रपोज करता है लेकिन नेडिन नहीं मानती है और नेडिन को एक मॉन्स्टर उठा ले जाता है। बाद में किम उसको रेस्क्यू करता है और एंड में जब नेडिन किम को वापस प्रपोज करती है तो किम मजाक में ये कहता है कि टू लेट। इसके बाद में नेडिन इस मूवी के लिए किम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम कितने ब्रिलियंट हो और तुमने मेरे कैरेक्टर को कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। किम पूछता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या, तो नेडिन कहती कि मैं कि हाँ, मैंने अपना पूरा स्केड्यूल तुम्हारे लिए ही खाली रखा है। किम उसको फिर कुछ लोगों से मिलाने ले जाता है जहाँ पर सब किम को बहुत प्रेज करते हैं कि उसने बहुत अच्छा एनिमेशन प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर नेडिन फिर से अकेला फील कर
करने लगती हैं, लेकिन किम उसको खींच कर लाता है और सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और सबसे बात करवाता है, जिससे नैडिन बहुत खुश होती है। नैडिन को पहली बार रियलाइज हुआ कि सही पर्सन से दोस्ती करने से लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। एक साई काम कंपोज्ड एंड ब्रिलियंट लड़का जब उसकी जिंदगी में आता है तो पहले वो उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि ये लड़का उसका क्लोज फ्रेंड बन सकता है और ये क्लोज फ्रेंड उसकी खुशी का भी ध्यान रखता है। ये कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन नहीं है, ये सच में नैडिन से प्यार करता है, इसलिए वो लोगों से मिलवाता भी है, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करता है और उसकी खुशी का भी ध्यान रखता है। नैडिन को इस बात की बहुत खुशी थी।